बच्चों आज मैं आपको क्लास सिक्स सब्जेक्ट मैथ चैप्टर वन एक्सरसाइज 1.2 नाउइंग आवर नंबर्स सॉल्यूशन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 तक के सॉल्यूशन आपको पहले ही भेज दिए गए हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ, यानी कि क्लॉथ की जो टोटल लेंथ है वो 40 मीटर है और क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिचेस वन शर्ट और एक शर्ट के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर के क्लॉथ का रिक्वायरमेंट है। टोटल लेंथ कितनी है हमारी 40 मीटर और एक शर्ट के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का क्लॉथ लगता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन के लिए हम इसको कन्वर्टेड करेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ मीटर और 15 सेंटीमीटर एक साथ दिया हुआ है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 40 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4000 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आपको 2 मीटर 15 सेंटीमीटर दिया, तो हम इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 100 + 15, ठीक है। इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये 15 सेंटीमीटर आपका है ही, ठीक है। तो मीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे तो 200 + 15 तो 215 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका ये भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया और ये भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो लेंथ एक ही होनी चाहिए, या तो मीटर में होनी चाहिए या सेंटीमीटर में होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर लिया। नंबर ऑफ शर्ट दैट कैन बी स्टिचेस आउट 4000 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका 215 सेंटीमीटर है तो 4000 से 215 मीटर को हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारा 18 शर्ट, यानी कि कितनी शर्ट बनी है हमारी उसमें 18 शर्ट। अगर 40 मीटर कपड़ा है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को हम उसमें से निकालते हैं एक शर्ट के लिए तो हमारी 18 शर्ट बनती हैं। तो इसी तरह से हैंड 18 शर्ट कैन बी स्टिच आउट ऑफ 40 मीटर एंड 1 मीटर 30 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज लेफ्ट आउट। तो इसमें से 1 मीटर 30 सेंटीमीटर का क्लॉथ हमारे पर बच जाएगा, क्लियर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। इसको पहले मैं उतार देता हूँ, उसके बाद फिर इसका सोल्यूशन को समझा दूंगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। वेट ऑफ वन बॉक्स, तो वन बॉक्स का जो वेट है वो 4 kg 500 ग्राम। तो यहाँ भी बच्चों आपको 4 kg 500 ग्राम दिया हुआ है, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो 4 × 1000 + क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं प्लस 500 ग्राम ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ ही है, इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो ये आपका आ गया 4500 ग्राम, ठीक है बच्चों। अब इसमें दिया हुआ है मैक्सिमम वेट, तो मैक्सिमम वेट कैरिड बाय द गिवन, अब इसमें जो दिया हुआ है वो आपको दिया है 800 kg, तो इसको भी हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम में। तो 800 × 1000 से ही करेंगे क्योंकि 1000 ग्राम होते हैं, तो कितना हो गया आपका ये
जीरो काउंट कर लो, एक दो तीन चार पाँच, तो एक दो तीन चार पाँच, तो 800,000 ग्राम। ठीक है बच्चों, अब ये है जब हम इसको निकालेंगे तो हैंस नंबर ऑफ बॉक्सेस देन कैन बी लोडेड इन द वैन, यानी कि कितने बॉक्सेस इस वैन के अंदर लोडेड किए जा सकते हैं। तो हमारा जो मैक्सिमम वेट है वो वैन में कितना कर रहे हैं, 800,000। तो 800,000 को हम कैरी कर सकते हैं और टोटल जो वेट है वन बॉक्स का वो है 4,500 ग्राम। तो डिवाइड करके हमारा आया 177 बॉक्सेस। तो कितने बॉक्सेस लोडेड कर सकते हैं हम, 177 बॉक्सेस। अब एक बार और मैं आपको रिपीट करा देता हूँ, वेट ऑफ वन बॉक्स, वन बॉक्स का जो वेट है 4 kg 500 ग्राम है। तो हमने इसको टोटल को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, तो 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 4 × 1000 प्लस, इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको 500 ही लिखेंगे, तो 4500 ग्राम। तो मैक्सिमम वेट कैरीड बाय द गिवन, यानी कि मैक्सिमम वेट कितना कैरी कर सकते हैं मैक्सिमम, तो 800,000। तो 800,000 ग्राम तक उस वैन में कैरी कर सकते हैं। तो हैंस नंबर ऑफ बॉक्सेस देन कैन बी लोडेड इन द वैन, तो वैन में 1 बॉक्सेस, यानी कि कितने बॉक्सेस हम उसमें रख सकते हैं। तो टोटल हमारा 800,000 है और 4500 वन बॉक्सेस का वेट है, तो हम 177 बॉक्सेस उसमें रख सकते हैं। क्लियर है बच्चों?